ए, लगता है वहाँ कोई लड़की है। ए, जरा देख तो, तेरा चाचा आ गया। चल निकलते हैं यहाँ से। ए, सुनो, मेरा काम हो गया, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे और मुर्गियाँ चुरानी है। अरे ए, रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? ए, कहाँ भाग कर जाएगा? श्याम, चलो यहाँ देखते हैं। चल चल। ए श्याम, लगता है यहाँ डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है। ये देख, ये लेफ्ट में, ये राइट में। अरे अरे वाह, क्या बात है, तुम लोगों का घूमर घूमर चल रहा है। हम लोग चाहे कुछ भी करे, तुम लड़कों का यहाँ क्या काम है ना? यहाँ पर क्या चल रहा है हमें सब पता है, समझी? लगता है यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है। श्याम, चलो अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। चलो हटा। हे, इधर देख। क्या बात है, काला चश्मा पहनकर चिकन खा रही हो? जरूर यहाँ कोई ना कोई तो झोल चल रहा है, जरा पता तो कर कि क्या झोल चल रहा है। चलो श्याम, प्लीज छोड़ दो। चोरी की मुर्गी खाने के लिए हमारा ही गांव मिला था क्या? चलो सब गांव वालों के सामने। चोरी की मुर्गियों का स्वाद ही कुछ अलग होता है, इसलिए हमने। एक काम कर, तू थोड़ा इसे भी खिला दे, अगर तू ऐसा करेगी तो ये किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही थी? श्याम, तुम भी खाओगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा। चोरी की मुर्गी खाने का मजा ही कुछ और है यार। अरे नहीं चाहिए, बहुत ही। बोला ना नहीं चाहिए। देसी मुर्गी भी बहुत मस्त है और गांव की मुर्गी भी बहुत मस्त है। अरे ऐसे डर क्यों रही हो? वो क्या है कि दरवाजा खुला था तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि कोई और देखता मुझे यहाँ तो अच्छा नहीं होता ना। लोग तरह तरह की बातें करते। वो क्या है कि तुम्हारे घर के सामने आकर मुझे पैसे मांगने में शर्म आती है, ऐसा लगता है जैसे तुमने नहीं मैंने ही तुमसे पैसे लिए। ठीक है, अब क्या करना है? उनके यहाँ से अब तक कोई खबर नहीं आई है साहब। खबर मतलब? तेरा पति जिंदा भी है या फिर मर गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो और क्या बोलूं? जब देखो तब खबर नहीं आई, खबर नहीं आई, यही कहती रहती हो। मैं आपके पैसे जरूर चुका दूंगी साहब, यकीन कीजिए। ये क्या पैसे पैसे लगा रखी हो? अरे तुम्हें मूल के साथ ब्याज के पैसे भी तो चुकाने हैं। लगता है तुम उसे भूल जा रही हो। अब मेरी बीवी मुझसे पूछेगी कि तुमने ब्याज क्यों नहीं लिया तो मैं क्या कहूँगा? मेरी बीवी पहले से ही मुझ पर बहुत शंका करती है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर तुम ब्याज नहीं देना चाहती तो उसके लिए रास्ता है ना, तुम अपना क्यों नहीं लेती मुझे? अभी मैं नरमी से पेश आ रहा हूं, वरना मुझे तुम्हें इस बिस्तर पर लाने में देर नहीं लगेगी। क्या बात है जी? अब क्या होना बाकी है? काम की बात करो तो कहते हैं काम नहीं है, कहते हैं आपको बाद में बुलाते हैं। जब से मिल की नौकरी हाथ से चली गई, जिंदगी जैसे रास्ते पर आ गई है। आप परेशान मत होइए, भगवान जिसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसी को ज्यादा दुख भी देते हैं। हम दिन रात भगवान भगवान करते रहते हैं, पता नहीं वो सुनते भी हैं या नहीं। अच्छा ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए आप क्या करने की सोच रहे हैं? मलिक जी ने मुझे एक एजेंट से मिलाया था, मलेशिया में बहुत काम है ऐसा कहा था, हमें वहाँ जरूर काम मिलेगा। साल दो साल कड़ी मेहनत करेंगे तो उधार भी चुका देंगे और अपना एक खुद का घर भी बना लेंगे। वहाँ जाने के लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे ना जी? वो पासपोर्ट और वीजा वगैरह मिला के कुल 3 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। 3 लाख रुपए? हम इतने सारे पैसे
कहाँ से इकट्ठा करेंगे? अरे मैं हूँ ना इस गांव में, यहाँ वहाँ भागने की क्या जरूरत है? इतने पैसे तो मैं ऐसे वैसों को बांट देता हूँ, तो तुम लोग तो मेरे अपने हो। बोलो लक्ष्मी कितने पैसे चाहिए? अरे हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, बोलो। 3 लाख रुपए चाहिए। बस 3 लाख? मुनीम जी 3 लाख दे दीजिए ना। मेरी सालों की मेहनत को सिर्फ आपने ही समझा है। संतोष, ये गिरवी में सोना और जमीन रखना मेरी निगाहों में दकियानूसी बात है। सही मायने में असली घर की लक्ष्मी बीवी होती है, और तुम्हारे घर में तो साक्षात महालक्ष्मी है। करो। देख कर ही मजा आ गया। श्याम देखना मामा, ये तो इंग्लिश फिल्मों की तरह लग रहा है। मामा कितने की बोतल है? सिर्फ 5,000 रुपए की। क्या बात कर रहे हो? ये क्या मामा, मुझे इतनी कम दारू क्यों दी? ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार पानी मिला लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। मिला रहे हो? बस 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 बस। जय भोलेनाथ, ओम ब्रांडे नमः। ये क्या है, एक घूंट में देसी दारू की तरह पी गए? इंग्लिश दारू को आराम से पीना चाहिए, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है मामा। पहले इसमें मैंने आइस मिलाई, पहले नींबू उठाओ, फिर इसे मजा लेकर आराम से पीना। अरे मामा ये क्या कर रहे हो, इसे चाय की तरह पीते हैं क्या? नालायक, चाय और दारू में फर्क होता है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम मुझे दारू पीना मत सिखाओ। ए नालायको, अगर तुम्हें इस तरह किसी फॉरेनर ने ऊपर से दारू पीते हुए देख लिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब यहाँ कौन है मामा जी हमें देखने के लिए? ए नालायक ऊपर देख, ऊपर से कोई फ्लाइट जाएगी तो फॉरेनर हो सकता है ना उसमें। मामा ये बोतल तुम्हारे सिर पर फोड़ दूंगा। क्यों हमें बेवकूफ समझते हो? फ्लाइट में जाने वाले ऊपर से हमें देख सकते हैं क्या? उन्हें दिख जाता है। इतनी रात को कैसे देख सकते हैं? ऊपर से लाइट मार के देख लिया तो पका दिया यार। मामा बिल्कुल सही बात है। ए श्याम चीयर्स कर। चीयर्स मामा जी। चीयर्स। मामा जी आपको देखने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है, सच में। आपको देखने के बाद मेरा भी मलेशिया जाने का मन करता है मामा जी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ। एक बार पावर एयरलाइन में बैठ जाओ और वहाँ जाकर उतर जाओ। क्या कहा, पावर एयरलाइंस? मानते हैं कि हम बेवकूफ हैं, लेकिन इतने बेवकूफ भी नहीं है कि तुम जो बोलोगे हम मान जाएंगे। ये क्या है श्याम, तुम्हारा दोस्त कुछ भी बोले जा रहा है। हाँ बिल्कुल मामा जी। एक काम करना, जब तुम मलेशिया में आओगे ना तो संभाल कर ये कार्ड ले मामा जी। इसमें एड्रेस लिखा जिससे तुम वहाँ पहुँच कर मुझे ढूंढ सको, और उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। तो क्या चप्पल से मारेंगे? अबे तू चुप ना, एक मिनट। देखो ये मैं हूँ ना बात करने के लिए। हाँ मामा जी ठीक है। अगर फ्लाइट पे चढ़ेगा तो देखना चप्पल से मार खाएगा। हाँ सही बात है। तुम बस आ जाओ भांजे, मैं हूँ ना वहाँ। हाँ, इसकी बात मत सुनो। मामा तुम गोली दे रहे हो। ए श्याम इस चाय की दुकान का वड़ा पाव खाकर हमारे गाँव के बुजुर्ग जल्दी परमात्मा के पास पहुँच जाते हैं। हाँ यार पहले हम लोग चाय पीते हैं। हम लोग पीछे चिल्ला रहे हो, तुम गाली लेकर भाग रहे हो। मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मेरी आँख आई है ना। आँख आ गई ये तो कुदरत की बात है मामा। तुमने मुझे इतना गंदा समझ रखा? गंदे को गंदा ही तो बोल रहा हूँ ना मामा। पागल है क्या, मामा जी को ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो तू? मैंने कहाँ परेशान कर रहा हूँ, मामा तो हमें मौज मस्ती कराते हैं, हमारे लिए भगवान है। और इस भगवान की कल रात तुमने क्या हालत की है पता है तुम्हें? मामा जी ये ग्लास इतनी छोटी क्यों है? भांजे इस दारू का नाम टकीला है। इतनी छोटी है फिर ये शकीला कैसे हो सकती है? शकीला? अबे नालायक ये शकीला नहीं टकीला है, पता है इसे कैसे पीते? पहले नींबू उठाओ। हाँ। उसे हाथ में लगाओ। अच्छा इस पर नमक लगाओ और उसके बाद टकीला को एक एक घूंट में पी जाओ। अच्छा मामा जी आपने इतने सालों से शादी क्यों नहीं की? अरे भांजे एक क्वार्टर के लिए कोई दारू की दुकान खोलता है क्या? क्या बात कही एक बेवड़े ने, मेरे इशारे पर पूरा मलेशिया नाचता है। ए, क्या बकवास करता है, फालतू का देखता है। छोड़ दो मैं, हम बेवकूफ समझता है क्या? बोलेगा तो बहुत मारूंगा। मुझे बकवास करता है, छोड़ूंगा नहीं। आपकी शक्ल हनुमान की तरह बनाने वाला मैं हूँ क्या? अरे रे इसीलिए आप मुंह छुपा कर जा रहे थे क्या? सॉरी मामा, मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ, कल रात को बहुत चढ़ गई थी मामा। मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी, हर सामने से। मामा जी प्लीज चलकर हमारा काम कर दीजिए ना। अब और क्या करवाना है मुझसे? मामा जी मुझे भी मलेशिया ले चलिए ना। मलेशिया? हाँ मामा, इतना खूबसूरत देश जहाँ पर हमारे मुर्गन भगवान का मंदिर है वहाँ पर हम दोनों जरूर जाना चाहते हैं मामा। अबे क्या क्या बकवास किए जा रहा है। मामा जी प्लीज, मामा जी
आप जो घर बना रहे हैं उसकी आपको कसम है। आप जिस आया से शादी कर रहे हैं, सॉरी जिस आंटी से शादी कर रहे हैं उसकी कसम हम आपके आभारी हैं मामा। मन में कोई बात मत रखना मामा जी, इसे छोटा समझकर इसकी गलतियों को माफ कर दीजिए ना। ठीक है तो फिर चलो। अरे वाह श्याम, मन की मामा मान गए। भांजे क्या हुआ भांजे, आखिर तो रो क्यों रहा है? बिना रोए कैसे रह सकता हूँ, मेरे उम्र के कोई भी दोस्त नहीं है मेरे, और आप जैसे बड़े आदमी मेरे कितने अच्छे दोस्त बन गए। मैं कोई बहुत दूर जा रहा हूँ क्या? ए, मामा हम दोनों दोस्तों के लिए आप हमारे चाचा की तरह हैं, हमारे सगे चाचा से बढ़कर हैं। हा? एक अच्छे दादाजी की तरह सही रास्ता दिखाइए मामा। दांत तोड़ दूंगा रास्कल। कैसे अपना दादाजी कह रहा है? अरे मामा जी आप बहुत बड़े ग्रैंड लग रहे हो ना, इसलिए उसने दादाजी कह दिया है ना।